अगर ऐसी भी अपने रब ते अपने मालिक ते भरोसा रखांगे तो इसी तरह जिस तरह समझ लो कि एक बाप दे अगर 10 बच्चे है तो उन्हें पहले नाल भी उन्ना ही प्यार है तो 10वें नाल भी उन्ना ही प्यार है। वह पहले की सहायता भी उन्नी करेगा 10वें की सहायता भी। हाँ फर्क बेशक होवे कि पहला बच्चा 20 साल पहला आया सी तां 10वां बच्चा 20 साल बाद आया, पर रब नूं सालां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि वह तो साडा पिता है। हुण यह फर्क नहीं कि मूसा किन्ने सौ साल पहला सी या गुरु रहबर किन्ने सौ साल पहला सी और असीं किन्ने सौ साल बाद विच आए, पर उन्हां दा पिता भी उही सी तां साडा पिता भी। बस सानूं यकीन रखना पैना है कि जिदां उन्हां नूं मुश्किल चों कढ़िया है, जे मैं भी अपने मालिक ते विश्वास रखूंगा तां मेरा मालिक मैनूं भी हर मुश्किल चों जरूर बचाएगा, जरूर निकालेगा। इसलिए हजारों रहमतें नाजिल होंगी। हुण इत्थे रब ने कहा तुझ पर, बस तू भरोसा रखना मुझ पर। हुण तुसीं अपने आप नूं इदां कह सकदे हो कि अगर अज मेरे जीवन दे विच मुश्किल है तां मेरा मालिक मेरे भी हजारा रहमतां नाजिल करेगा, मेरे वास्ते भी रहमत दे दरवाजे खुलणगे। बस अपने आप नूं ये जवाब देना कि मैनूं इक्को ही काम करना पैना और वह है अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखना, अपने मालिक ते पूरा पूरा यकीन पूरा विश्वास होना जरूरी है। हुण समझ लो जीवन दे घड़े विच अगर असी अच्छे कर्मां दे सिक्के पावांगे, अच्छियां आदतां दे सिक्के पावांगे, तां फिर परमात्मा भी कहेगा तू जीवन च अच्छा कर रहा है तां मेरियां सारियां शक्तियां तेरियां, फिर तू नामुमकिन मुमकिन कर सकता है, असंभव नूं संभव। हुण तुसीं आप सोचना थोड़ा जिहा, जिदां अही कई बार दस्सिया कि बुरियां आदतां उह खाण पाण दे भी हो सकदियां है, क्योंकि कईआं नूं बुरी चीज़ खाण की आदत हुंदी है, बुरी चीज़ पीण की आदत हुंदी है, कुछ बुरा करन की आदत हुंदी है। तां हुण देखण नूं तां उह सिक्के भी चमकीले लगदे, बुरियां आदतां भी चंगीआं लगदियां है, पर उह बुरियां आदतां जदों साडे जीवन दे घड़े च जांदियां है तां फिर सानू उन्हां शक्तियां तो दूर कर दिंदियां है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए इत्थे इक्को ही गल कहांगे कि कई बार कई जीव कह दिंदे है कि लै असीं सत्संग जाना है सिमरन करना, पर वो चल सिमरन करिए अज मूड है नहीं। तो एक बहुत समझदार इंसान ने लिखिया है, शेक्सपियर ने, शेक्सपियर कहिंदे है कि सफल और असफल इंसान में बस इतना फर्क है। कितना फर्क है? एक नाटककार है जिन्होंने बड़े वधिया वधिया नाटक लिखे, शेक्सपियर ने, वो कहते सफल और असफल इंसान में बस इतना फर्क है कि असफल इंसान अपने मूड का गुलाम होता है और सफल इंसान अपने मूड का मालिक। हुण मूड दे गुलाम किहड़े हुंदे है? उहनूं कहो ना वो चल चलिए, चल जिम च जाइए, वो अज मूड है नहीं, जदों मूड होएगा उदों जावांगे। यानी उहनां नूं उहनां दा मूड चलांदा है, यानी मूड मालिक है तां आप उहदे गुलाम है। मूड करेगा, मूड बनेगा तां करना, जे मूड नहीं बनेगा तां करना ही नहीं। फिर चाहे वह चीज़ जिन्नी मर्जी मेरे वास्ते फायदेमंद होवे, जिन्नी मर्जी मेरे वास्ते चंगी होवे, पर वह मूड दे सहारे चलदे है। चलो अज मूड है भंगड़ा पाउण दा, पाइए, अज मूड है आ कर्म करन दा, करिए। वह मूड दे मूड दे गुलाम होके अपने मूड दे मुताबिक चलदे है। तां सफल इंसान किहड़े हुंदे है? जिहड़े अपने मूड दे मालिक हुंदे है। कोई कवे कम करना है, मूड है कि नहीं, वो कहिंदे मूड ना भी होवे पता काम मेरे वास्ते चंगा आ, चलो शुरू कर दे, मूड आप ही बन जाऊं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि उन्होंने पता जिहड़ा काम चंगा है पहला शुरू कर दईए, मूड तो फिर क्योंकि जो कर ही दिता तो मूड नूं बनना ही पैना। एक इंसान कहिंदा पहला मूड बने फिर करूँ, हुण ना मूड सारी जिंदगी बने तो ना करूँगा सारी जिंदगी। हुण सारे नूं पता नहीं, तो कई बार दसीदा कि एक्सरसाइज करनी, सिमरन करना, सत्संग च जाना, अच्छाई करनी साडे वास्ते किन्नी, या सवेरे सवेरे रनिंग करनी, सवेरे जल्दी उठना किन्ना चंगा है, पर बंदा वो मूड है नहीं उठण दा, अज बिस्तरे च ही रहण दे। समझदे हो कि नहीं? ओए मूड है नहीं जिम जाण दा, एक्सरसाइज करन दा, अज छुट्टी कर लैंदे हैं, वो मूड है नहीं। आ तां मूड कहदा हुंदा है? वो चल यार पिज़्ज़ा खाण दा मूड है, चलिए पिज़्ज़ा खा के आईए। वो चल यार अज छोले भटूरे खाण दा मूड है, अज ना आ फलानी मूवी देखण दा मूड है, चलूंगा। वह मूड के गुलाम है, मूड उन्होंने उधर लैके जाता जिन्हों का जीवन कोई फायदा। जरा आप सोच के देखो गल सही है कि नहीं? बंदा दा, बंदे का मूड कितने बनता है? वो अज गेम खेलन का मूड है, चल टीवी दे विच गेम खेडिए, चार घंटे उत्थे ला देने हैं, अद्धा घंटा जिम च एक्सरसाइज नहीं करनी, उत्थे मूड ही है नहीं। अद्धा घंटा सिमरन नहीं करना, मूड ही है नहीं। सत्संग च नहीं जाना, मूड ही है नहीं। कई जीव
मान लो सिमरन से बैठन दिल नहीं करता, यह मतलब दिल नहीं करता, मतलब मूड है नहीं सिमरन करन दा। वो भाई मूड के गुलाम ना बनो, क्योंकि मूड का गुलाम मूड ही रह जाता है। मूड़ी किनू कहते, मूर्ख जो कभी जीवन च तरक्की कामयाबी सफलता सेहत को हासिल ही नहीं कर सकता। तो जिहड़ा अपने मूड नू अपना गुलाम बना के मूड का मालिक बन जाता है कि जो मेरे वास्ते चंगा है वह मैं करना, मूड होवे चाहे ना होवे, मैनू पता है काम मेरे वास्ते चंगा मैं करना है, और जो मैं करना तो मूड आपे ही बन जाऊ, क्योंकि बार बार करन दे नाल ही फिर आदत बनती है। समझते हो कि नहीं? हुण जिहनू ध्यान करन दी आदत पै गई ना, जब तक वो ध्यान नहीं करेगा उन्हूं मजा ही नहीं आएगा। समझते हो कि नहीं? उन्हूं सारा दिन इदां लगेगा अज मैं कुछ, समझते हो कि नहीं? जिदां हुण सानूं मैडिटेशन की आदत है, एक्सरसाइज की आदत है, सत्संग की आदत है, जरा समझना, हुण इह करदे आ तां सानूं खुशी हुंदी है। एक दिन भी ना होवे तो सानू सारा दिन इदा लगता कुछ किया ही नहीं अच्छ, तेरा समझना सारिया ने। सो दसना की चाहते हैं कि कभी मूड़ के नाल जिंदगी ना जोड़ो, क्योंकि सफल और असफल इंसान में बस इतना फर्क है कि असफल इंसान अपने मूड का गुलाम होता है और सफल इंसान अपने मूड का। हुण तुसी की बनना है? जे मूड करे ना वो चल पैग लाइए तो समझ लो ये मूड का गुलाम बन के गलत काम नहीं करना जो मेरी सेहत वास्ते चंगा नहीं है। फिर हुण कई बार कई जीव कहते मालको शरीर बड़ा टुटदा है, जो नशा छड़ते शरीर, ओ भाई थोड़ी दर्द झलो, मजबूत बनो, थोड़ी सख्ती अपने ते करूंगे तो फिर ही शक्ति हासिल करूंगे, फिर ही बुलंदी ते पहुंचूंगे। तो जो माड़िया मोटिया दर्दों तो डर के फिर नशे करने शुरू कर दते, ये दर्द बर्दाश्त ना हुई तो जल्दी ही वो शरीर चो वह दर्दा पैदा होनगियां जिहड़ियां सारी जिंदगी वास्ते तुहानू बैड ते लटा देणगियां। फिर किडनी खराब वो दर्द, लीवर खराब वो दर्द। पर अगर अज असी गलत नशा करते करते हुण नशे चो निकलना चाहते हैं और थोड़ी बॉडी च पेन हो रही है तो कहो मैं हर पेन बर्दाश्त करन नू तैयार हाँ, पर यह बुरी आदत नू दोबारा अपनी जिंदगी च नहीं आण देना, मैं अपनी हर बुरी आदत नू खत्म करना है। और जदों अपने अंदरलियां बुरियां आदतां नू बुरे अंगा नू तोड़ना है तो थोड़ी ये पीड़ा तो बर्दाश्त करनी, पर फायदा इहदे च है। जिदा कई बार डॉक्टर कहंदे ना एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ का मास भाई इन्ना खत्म खराब हो गया हुण कटना पैना है, लत कटनी पैनी है, तो उस लई असी की कहंदे लत कट दो, पर जिंदगी साडी दर्द जरूर हुंदी है पर अपने जीवन नू बचाण वास्ते असी लत दी कुरबानी, हथ दी कुरबानी या किसी अंग दी कुरबानी क्यों दे दिंदे आ कि साडा पूरा जीवन तां सुरक्षित होवे। तो जे असी वह दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर यह भी सोचा करो कि नशा छड्डन लगे जे माड़ी मोटी पेन होंदी है ये गुड पेन है, कल नशा करते करते जो पेन आनी वो बैड पेन है जिन्हें मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देनी है, पर हुण मैं इनू छड्ड रहा हाँ। क्योंकि कुछ पेन होंदी है, कुछ दर्द होंदे है गुड अच्छे, तो कुछ दर्द होंदे है कह दियो बुरे माड़े। हुण अच्छे दर्द किहड़े होंदे है? तुसी रनिंग करते हो, रनिंग करदे करदे लत्तां च दर्दां हुंदियां खलियां पैंदियां है, घर आ के बहिंदे होए लत्तां बड़ियां दुखदियां गुड, वो गुड पेन है क्योंकि तुहाडे मसल डिवेलप हो रहे हैं, तुहाडे मसल सख्त हो रहे हैं, तुहाडे मसल बन रहे हैं, अच्छी पेन है। पर एक हुंदी है कि दर्द सट लग गई उहनूं कहिंदे बैड पेन, जिहड़ी अपने आप ही हो रही है। हुण तुसी या इहनूं इदां समझ लो कि इस तों पहलां कि शरीर तुहानूं दर्द देवे तुसी ये शरीर नू इन्ना दर्द दे के मजबूत कर दियो कि कदी शरीर तुहानू दर्द दे ही ना पावे। इहदा मतलब है कि या तो तुसी अज एक्सरसाइज करो, मेहनत करो, मेडिटेशन करो, शरीर नू दर्द दियो। जे आप तुसी शरीर नू दर्द दिंदे हो तो तुहाडा शरीर इन्ना मजबूत हो जाता है फिर आने वाले समय च कोई दर्द तुहानू होएगी नहीं। तो जे अज तुसी अपने शरीर नू आराम दिंदे हो तो कुछ सालों बाद शरीर ने तुहानू इन्ना दर्द देना कि तुहानू सारी जिंदगी वास्ते बिस्तर ते मरीज बना के पा देना है। हुण समझदार इंसान कहिंदा भाई इस तो पहला बॉडी मैनू दर्द देवे, ये वक्त मैनू दर्द देवे, मैनू मरीज बनावे, मैं ही अपने आप नूं थोड़ा दर्द दे के अपने शरीर नूं इन्ना मजबूत बना लवां कि किसी दर्द का मेरे असर होवे ही ना। समझदार इंसान की कहेगा अज दर्द बर्दाश्त करेगा ता कि जिंदगी भर के दर्द तो मैं बच सकां। इसलिए ये पॉइंट नोट करना कि कभी मूड के पिछे ना लगो, गुलाम ना बनो, नहीं तो जीवन असफल होकर रह जाऊंगे। जो चीज़ साडे वास्ते बेहतर है, सत्संग जाना अच्छा है तो मूड होवे चाहे बस जावा, ध्यान करना मेरे वास्ते अच्छा है
मूड होवे चाहे ना होवे करा। अच्छाई करनी, नेकी करनी मेरे वास्ते अच्छी है, मूड होवे चाहे ना होवे, क्योंकि अपने मूड नू अपना गुलाम बनाओ कि मैं करना है। मूड तो अपने आप ही बनता चला जाएगा जिदा दसिया, क्योंकि जेड़ा काम इंसान करता जाए तो फिर वो आदत बनती भी, क्योंकि असं भी चाहते हैं तुम अपने अंदरलिया छुपिया शक्तियां, क्योंकि फिर कहे परमात्मा तो हर शक्ति देना चाहता है, पर परमात्मा यह भी देखता है कि इस बर्तन के खरे सिक्के पाने वाला है, किड़ा इस बर्तन के अच्छिया आदत पाने वाला है। नहीं तो देखो जरा महात्मा बुद्ध को देख लो, कबीर साहब को देख लो, श्री गुरु नानक देव जी को देख लो, होर संतों महापुरशों देख लो, उन्होंने अंदर कितनी अच्छाई सी, ताही तो उन्होंने ये आनंद ये शांति ये सुकून ये शक्तियां मिली, ताही तो वे असंभव को संभव कर पाए। कह देंगे ना कि श्री गुरु रविदास जी ने तपड़ी दसले गंगा कढ़ के दिखाती, दिखाई कि नहीं, सुनिया कि नहीं उन्होंने कथा, हूँ ये ताकत कदों आती है, ताही कहते जब मन चंगा तो कठोती में, इतने भी दसिया कि उन्होंने अंदर चंगियाई सी, वह कहते जे तेरा दिल चंगा है, आदत चंगी है, सोच चंगी है, विचार चंगे है, तो फिर तेरा तेरे घर का सादा पानी भी गंगा जल बन जाता है। जरा समझ लेना सारे, अज तो तुम भी विचार करना है कि जे जीवन का घड़ा मैनू मेरे मालिक ने दिता है और मैं वो मालिक दी रहमत रूपी शक्ति प्राप्त करना है, तो फिर मैनू ये जीवन के घड़े बड़ा सोच समझ के अच्छी यही सिक्के अच्छिया आदत अच्छे कर्म पाने पैणगे, क्योंकि अच्छाई नाल जो मेरे जीवन का घड़ा भरता जाएगा तो एक दिन परमात्मा आप कहेगा कि आ भाई तू मेरिया शक्तियां लैन दे योग्य है लायक है, फिर उसकी ताकत सानू मिलेगी। इसीलिए तो एक दिन अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण नू कि वह भगवान वह प्रभु वह साडा साथ किदां दिंदा है, तो श्री कृष्ण ने जो जवाब दिता ना बड़ा प्यारा जवाब दिता, कहिंदे हे अर्जुन, हे अर्जुन सकारात्मक सोच होश स्वास और अच्छी भावनाओं के जरिए भगवान की शक्ति हमेशा हमारे तुम्हारे साथ रहती है, हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अर्जुन कह रहे हो जरा गौर करना केड़ी-केड़ी चीज़ बारे श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान की शक्ति किहड़े रूप च साडे नाल रहिंदी है, वो कहिंदे सकारात्मक सोच होश स्वास और अच्छी भावनाओं के जरिए भगवान की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। चार चीजें ही तरफ श्री कृष्ण ने इशारा किया, पहली उन्होंने कहा सकारात्मक सोच, कभी नकारात्मक ना सोची, कभी बुरा ना सोची, हमेशा अपनी सोच नू अच्छा रख, अपने विचारों नू अच्छा रख, अपने बारे अच्छा सोच। नहीं तो जरा अपने आप नू पुछ के देखो, एक सवाल करो अपने आप नाल, पता कि सवाल करना है, अपने आप नू पुछ के देखो फिर अंदरों की जवाब आता है, जरा की पूछना है अपने आप नू के शंका खुद से पूछिए कि शंका और डर के साथ जीने से मैं क्या खो सकता हूं, और विश्वास और निडरता के साथ जीने से मैं क्या हासिल कर सकता हूं। अपने आप नू पूछ के देखो, जवाब आने शुरू हो जाएंगे कि जे मैं शंका नू लेके डर नू लेके अपनी जिंदगी जीऊंगा तो मैं की कुछ गवा सकता है। जरा सोच के देखो, जे शंका ही इंसान अंदर होवे तो असी देखिया है कि शंकालू इंसान अपना सब कुछ गवा दिंदा है, परिवार से शक करने वाला, पत्नी से शक करने वाला, पति से शक करने वाला, या होर सज्जना मित्रा से शक करने वाला, फिर उन्होंने वो रिश्तिया भी गवा दिंदा है। जे तुहाडे मित्र नू पता लग जाए तुसीं उत्ते शक करदे हो तो रिश्ता रह जाएगा, पत्नी नू पता लग जाए मेरा पति बड़ा शंकालू मेरे हर वेले शक ही करदा तो प्यार नहीं रह जाएगा, पति नू पता लग जाए तो उत्थे प्यार नहीं रह जाएगा। इसलिए डर और शंका दे नाल जीवन जीन दे नाल तुम क्या कुछ खो सकते हो, कहिंदे खुद से पूछिए, पूछो अपने आप नू। और अगर दूजा जीवन जीवा कि मैं निडरता और विश्वास के साथ जीवन जीने से मैं क्या हासिल कर सकता हूं, तो जरा सोच के देखो जे मैं निडर होके विश्वास दे नाल जिंदगी जीवा तो मैं जीवन च कितनियां उपलब्धियां हासिल कर सकता हाँ, कितनियां कामयाबियां हासिल कर सकता हाँ, कितनियां मुश्किलों चो मैं निकल सकता है। हूँ एक बच्चा किसी टेस्ट चो पास होना चाहता है पर शंका है मैं नहीं होना, डरदा है कि मेरी हिम्मत नहीं पैंदी तो कितना कुछ गवा देगा, एक बच्चा पूरा विश्वास ना भरिया मैं कर सकता हाँ और मैनू यकीन है कि मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है, इसलिए डरना क्यों,
वो विश्वास नाल कदम बढ़ाता तुहानू कामयाबी भी। इसलिए फिर कहांगे कि अपने जीवन चो शंका नू कढ़ो, डर नू कढ़ो, क्योंकि तुसीं जीवन च बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत उच्चियां मंजिलां नू पा सकते हो अगर तुसीं अपने अंदर साहस प्रेम विश्वास नू पैदा कर लवो। हर बीमारी चो तुसीं निकल सकते हो। तुसीं नाम सुनिया होएगा डॉक्टर, एक बहुत बड़े डॉक्टर होएगा बहुत समा पहला, एमल कुए, डॉक्टर एमल कुए, जरा समझना सारिया ने। कहिंदे ओ डॉक्टर दवाई नाल नहीं किसी नू ठीक करदा सी, ओ हिपनोटाइज करदा हुंदा सी। हिपनोटाइज समझदे ना तुसीं, किसी नू समोहित करके उन्हूं कह देना। जदा एक मरीज उहदे कोल आया, उन्हें पुछया तू किन्ना वजन चक सकदा है, तो उन्हें कहा जी मैं अपने जीवन च वध तो वध 50 किलो वजन चक सकदा हां। कमजोर सी तो एमल कुए ने उन्हें हिपनोटाइज किया और उन्हें हिपनोटाइज करके कहा तू 1 क्वांटल वजन चक सकदा है, और उन्होंने लै गए जिथे वजन रख्या होया सी, उन्हें बड़ी आसानी ने 1 क्वांटल वजन चक लिया और उसकी वीडियो बनाई। जब वीडियो बनाई उन्होंने वजन चकते दिखाया और फिर उन्हें वजन रख्या, उन्होंने दोबारा जो हिपनोटाइज तो बाहर कढ़िया और उन्होंने पूछा तू कितना वजन चक सकता है, वो कहता जी दसिया 50 किलो। उन्होंने उसी कमरे च लैके गए जिथे क्वांटल भी पिया सी 50 किलो भी पिया सी, उन्हें 50 किलो आराम नाल चक लिया, पर जो क्वांटल चकन नूं गया तो चकिया नहीं गया, हिलिया भी नहीं। वो कहता महाराज मैं पहले ही गया सी 50 चक हुंदा, क्वांटल तो चक नहीं सकता। वो कहते अच्छा फिर आ देख, वीडियो दिखाई, कहते फिर आ किना चकिया, वो जो वीडियो देखी मैं क्वांटल चक लिया बड़ी आसानी नाल, ये कितना हो सकता है, ये ताकत वो कहते तेरे अंदर ही है, पर तू हूँ 50 किलो क्यों चकिया है होश में, उस वेले क्वांटल क्यों चकिया, क्योंकि हूँ तू 50 किलो इसलिए चकिया क्योंकि तू अपने मन की सीमा बनाई है कि मैं 50 ही चक सकता है, इस तो ज़्यादा मैं चक ही नहीं सकता। इसलिए तेरा मन तेरी बॉडी नू ताकत ही उन्नी दे रहा है, पर जो मैं तेनू हिपनोटाइज करके गल कही कि तू क्वांटल चक सकता है, तो तेरे मन ने गल मान ली, तेरे सबकॉन्शियस माइंड ने गल मान ली मैं क्वांटल, तू जो क्वांटल को गया आराम ना चक लिया क्योंकि तेरे माइंड नू पता सी मैं क्वांटल, जरा समझना। वो कहते ताकत कितने है, ये कि बाहरों नहीं आ गई, ये तेरी सोच बदली तो तेरे शरीर की स्ट्रेंथ भी, ऐसी अपनी ताकत की सीमा आप ही बना लेंगे हाँ। इसलिए विवेकानंद जी ने एक कोट पढ़े, कोट यानी उन्होंने लाइन पढ़े, बड़ी प्यारी लाइन है,